राजकुमारी पद्मावती की प्रतियोगिता में जाना है, बस यही इच्छा है। यदि भार्गवी मुझे छोड़कर चली गई तो पूरे ब्राह्मण समाज से यश, समृद्धि और ऐश्वर्य अपने साथ सदैव सदैव के लिए ले जाएगी। समस्त ब्राह्मण समाज श्रीहीन हो जाएगा। मैं आपको श्राप देती हूँ, लक्ष्मी कभी ब्राह्मणों को नहीं मिलेगी। मैं लक्ष्मी का श्राप फलित नहीं होने दूंगा। मैं भार्गवी को कभी ज्ञात ही नहीं होने दूंगा कि वो विष्णु की अर्धांगिनी है, वो साक्षात श्री है। श्रीनिवास, अरे कहाँ जा रहे हो भाई? रुको तो। अरे कोई उत्तर तो दो। क्या श्रीनिवास, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रहे हो? और ये प्रत्येक पेड़ पर श्री श्री क्यों लिखे जा रहे हो तुम? क्योंकि जहां श्री का वास है वहां श्रीनिवास है। क्या कह रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि समझ का संबंध होता है समय से। अब कई सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो समझने में अपना पूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी और जन्म में ही समझते हैं। और आप गोविंदराज, आप तो अत्यंत समझदार हैं, अवश्य ही किसी और जन्म में समझेंगे। कितना सुंदर दृश्य है, ऊंचाई से ये नगर कितना सुंदर दिखता है ना। यदि ये आपको सुंदर लग रहा है तो आगे जो मैं दिखाने वाला हूँ उसे क्या कहेंगे? कुछ शब्द बचा के रखिए गोविंदराज। किंतु जहां तक मुझे ज्ञात है तुम तो इस नगर में पहली बार आ रहे हो, किंतु बातें तो तुम ऐसी कर रहे हो जैसे यहाँ के विषय में तुम सब कुछ जानते हो। मैंने कहा था ना गोविंदराज, समझ का संबंध समय से है। अब ये बात कदाचित आप किसी और जन्म में समझोगे, कदाचित किसी और जन्म से मैं इस नगरी को जानता। और बात जहां समझ की हो, आपको तो पता है कि मैं कितना समझदार हूं। ये पहेलियां ना, इनसे किसी और को रिझाना, मैं नहीं आने वाला हूं चक्कर में। और जितना मैं जानता हूं समझदार का तो पता नहीं, किंतु धूर्त अवश्य हो तुम बहुत बड़े। इसीलिए समझा रहा हूं, ये नया क्षेत्र है, नई जगह है, नए लोग होंगे, इनके समक्ष अपनी कोई धूर्तता मत दिखा। तुम मुस्कुराए क्यों है? अर्थात तुमने पहले से मन बना रखा है कि वहां चलकर कोई बड़ा उत्पात मचाना है? मैं कहां उत्पात मचाता हूं गोविंदराज, आप भी देखो। मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूं, फिर समझा रहा हूं कि हम अपना घर, अपना गांव सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ एक नए समृद्ध राज्य में इसीलिए आए हैं ताकि कोई काम ढूंढ सके, अपना घर बसा सके, अरे जीवन में कुछ बड़ा कर सके, नाम बना सके, यश पा सके। ये उचित कहा गोविंदराज। वैसे आपको पता है, एक नाम वो होता है जो जन्म से मिलता है, और एक नाम वो होता है जो हम अर्जित करते हैं, और ये नाम इस संसार से जाने के पश्चात भी जीवित रहता है। और मैं भी यहाँ एक ऐसा ही नाम बनाने आया, एक ऐसा नाम जो कभी नहीं मिटेगा। बस हाँ,
हमारे नाम बनाने के क्षेत्र भिन्न है। ये बड़ी अच्छी बात कही तुमने। वैसे मैं समृद्धि में अपना नाम बनाना चाहता हूँ। तुम किस क्षेत्र में बनाना चाहते हो? क्या पाना चाहते हो? पाना नहीं चाहता, खोजना चाहता उसे जिसके साथ मेरा अस्तित्व जुड़ा हुआ है, वो जिसके बिना मेरा घर मेरा धर दोनों अधूरा है। उसे पाना चाहता हूं जो एक श्राप के कारण नहीं, एक वरदान के कारण मुझसे दूर है। मेरी लक्ष्मी, मेरी लक्ष्मी। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जाओ और मेरी इच्छा है कि तुम मत जाओ। क्या अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? तो तुम बात किसके विषय में कर रहे हो श्रीनिवास? उसके विषय में जिसे मैं जानता पर पहचानता नहीं। वो जो सदैव मेरे साथ है पर कब से उससे मिलना चाहता, वो जो मेरी आस है पर मेरे पास नहीं, वो जिसका पता तो मैं नहीं जानता पर मुझे इतना पता है कि वो यहीं कहीं है, वो जो मेरे पास है, वो जिसे अब भी ढूंढना है। महाराज आकाश की पुत्री राजकुमारी पद्मावती पधार रही है। राजकुमारी पद्मावती की जय। राजकुमारी पद्मावती की जय। राजकुमारी पद्मावती की जय। राजकुमारी पद्मावती की जय। राजकुमारी संसार के लिए नृत्य एक मनोरंजन होगा पर मेरे लिए ये अर्चना है, आराधना है, भगवान शिव के निकट जाने का माध्यम। और इसीलिए हर वर्ष इस नृत्य प्रतियोगिता का आरंभ भगवान शिव के नटराज रूप के आशीष पाकर होता है। प्रतियोगिता आरंभ कीजिए। आनंद तांडव, प्रतीत होता है कुमारी पद्मावती की भेंट से नटराज प्रसन्न हुए हैं। हाँ गौरी, प्रसन्न तो मैं बहुत हूँ, परंतु केवल इस भेंट के कारण ही नहीं, मैं प्रसन्न हूँ उस घटना के कारण जो ब्रह्मांड के रंगमंच पर रची जाने वाली और जिसका मैं साक्षी बनूंगा। आपका संकेत भ्राता नारायण और देवी लक्ष्मी की ओर है, अर्थात श्रीनिवास और भार्गवी की ओर। संकेत तो उचित समझी हो तो। देख रही हूँ मैं, कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं इन दिनों आप। राधा कृष्ण के स्वप्न में भी नटराज बनकर प्रवेश कर लिया है आपने। इस गाथा में मेरे आराध्य मेरे इसी नटराज रूप से ही सबसे अधिक जुड़ने वाले। मैं समझ नहीं पा रही। यूं समझ लो कि इस नाट्य का सूत्रधार भी मैं हूं और साक्षी भी। इसीलिए मैंने स्वयं को वहां नटराज के रूप में स्थापित किया।
इस गाथा की प्रत्येक घटना का केंद्र मैं ही होऊंगा और मैं ही साक्षी बनूंगा आज की आनंददायी रात्रि का। ऐसा क्या है आज रात्रि? उस महान प्रेम गाथा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव होगी ये रात्रि, जो गाथा है लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्ण की, भार्गवी श्रीनिवास की। प्रतियोगिता में विजय कौन रहा और राजकुमारी पद्मावती कैसी दिखती है? प्रतियोगिता अभी भी चल रही है और कुमारी पद्मावती भी वही है, स्वयं अपनी आंखों से देख लेना। चल, हम तुम्हें लेने आए हैं। तुम्हारी इच्छा है कि तुम जाओ और मेरी इच्छा है कि तुम मत जाओ। क्या अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती तुम? नहीं नहीं, नहीं आ सकती, पिताश्री ने मना किया है ना, मुझे बुरा लगेगा। बाबा को बुरा तो तब लगेगा ना जब उन्हें पता चलेगा कि तू वहां गई है, और वो तो कब क्या सो गए होंगे ना। हाँ चलना, जाएंगे और थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। तृप्ति प्राप्त हो गई, वाह वाह। अब बताओ क्या बताने वाले थे स्थान के विषय में? मैं श्वास तो लेने दो गोविंदराज, बैठिए। तो चलो अब कान खोल कर सुनो। मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आज हमें सुंदर देवियों का दर्शन होने वाला है। अर्थात? अर्थात अत्यंत सुंदर सुंदर कन्याएं आज हमारी प्रतीक्षा करेंगी, हमसे भेंट करेंगी, हमारा स्वागत करेंगी, सत्कार करेंगी, हमारी जय जयकार होगी गोविंदराज, और उन्हीं की सहायता से हम इस सुंदर नगरी में बस जाएंगे। ऐसा कैसे होगा इसके विषय में सोचा है कुछ? कहाँ हैं ये कन्याएं जो हमारी प्रतीक्षा कर रही है, और कहाँ है ये स्थान जहाँ इतनी सारी कन्याएं एक साथ एकत्रित हुई? मित्र मुद्राएं ले लो। वैसे अनुचित नहीं कह रहा है बंधु, यहाँ आज सच में बहुत ही सुंदर कन्याएं उपस्थित हैं। आज यहाँ नटराज के मंदिर में नृत्य प्रतियोगिता हो रही है। अर्थात तुम सत्य कह रहे थे? अर्ध सत्य। कन्याएं वहाँ अवश्य हैं, पर आप वहाँ नहीं जा सकते, उत्सव केवल स्त्रियों के लिए ही है। क्या मुझे क्यों घूर रहे हो? मैंने कहा तो था कि कन्याएं होंगी और हैं। और ये कब कहा कि वहाँ केवल कन्याओं को ही अनुमति होगी? गोविंदराज यही बात तो नहीं समझ पाते, ये अनुचित है। स्त्री और पुरुष के मध्य में ये भेद ये नहीं होना चाहिए, और हम ही ने तो इसका आरंभ किया है, हम ही को इस भेद का अंत भी करना चाहिए। हाँ चलो देखते हैं क्या मिलता है वहां हमें। गोविंदराज आपको तो कुछ ज्ञात नहीं है, मुझे तो यहाँ पे सब कुछ मिलने वाला है। श्रीनिवास को यहाँ उसकी श्री मिलेगी। राधा कृष्ण 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 कृष्ण